नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पेशल, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। मोदी की लहर हर किसी पर भारी पड़ रही है, हर तरफ मोदी का जादू दिखाई दे रहा है। ऐसे में विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये बन गई है कि मोदी की इस लहर को पार कैसे किया जाए। तो विपक्ष अब एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या 2019 में मोदी वर्सेस ऑल यानी कि विपक्ष जो एकजुट हो गया है वो मोदी के साथ लड़ता हुआ दिखाई देगा? बहुत जबरदस्त है, जहां कीचड़ का नामो निशान नहीं था वहां भी कमल खिल गया। सारे समीकरण पीछे छूट गए, सारे गणित धरे के धरे रह गए, न धर्म कार्ड चला न जाति मंत्र काम आया। वो कहते हैं कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से इमारत की रचना जो होती है उसमें जो नॉर्थ ईस्ट का कोना होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, और इसलिए सारा फोकस वास्तुशास्त्री नॉर्थ ईस्ट को केंद्र में रखते हुए मकान की रचना का करते हैं। मतलब कि एक बार नॉर्थ ईस्ट ठीक हो गया तो पूरी इमारत ठीक हो जाती है। भाइयों बहनों, आज मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे देश का नॉर्थ ईस्ट आज विकास की इस यात्रा का शायद देश में नेतृत्व करने के लिए आगे आया है। 25 साल पुराना त्रिपुरा का लाल किला भरभरा कर गिर गया। ऐसा पहली बार था जब दो सुदूर सोच वाली पार्टी सीधे सीधे टक्कर में थी और वाम दल को करारी शिकस्त मिली। नो वन से वन की यात्रा, नो वन NOONE, वन WON, नो वन से वन की यात्रा, शून्य से शिखर तक की यात्रा। और आप जानते हैं सूरज जब ढलता है तो लाल रंग का होता है। और जब सूर्योदय होता है तो केसरिया रंग लेकर के निकलता है। ब्रांड मोदी का तो कोई जवाब नहीं, पूर्व से पश्चिम तक टक्कर में कोई नहीं है। मोदी और शाह की जोड़ी ने बीजेपी की पताका को इस ऊंचाई पर फहरा दिया जहां कोई नहीं पहुंच सकता। अब अकेला चना तो कतई इस भाड़ को फोड़ नहीं सकता। यही वजह है कि बीजेपी की ईस्ट इंडिया जीत ने सारे सियासी दलों को साथ आने पर मजबूर किया है। पहली आवाज KCR ने दक्षिण से दी, उन्होंने एक बार फिर VP सिंह के गैर बीजेपी गैर कांग्रेस वाले फॉर्मूले को झाड़ फूंक कर बक्से से निकाला। आई थिंक इट विल एमर्ज अप्रोप्रिएटली, अप्रोप्रिएट टाइम। 100% मैं कह रहा हूं खुल के, ये माइनस कांग्रेस माइनस बीजेपी ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। ब्रांड मोदी का ही खौफ है कि देश को सबसे ज्यादा सांसद देने वाले राज्य UP में दो खाटी दुश्मन पार्टियां सारे गिले शिकवे को भुलाकर एक दूसरे के करीब आती दिख रही हैं। मायावती ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन रहेगा। हमारी पार्टी के लोगों ने सपा के लोगों के साथ बातचीत करके ये डिसीजन लिया है कि हमारी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो राज्यसभा में जाएगा, और जो हमारे वोट होंगे तो वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जाएंगे, हमारा राज्यसभा में जाएगा, तो हम उनका MLC बना देंगे, वो अपना वोट हमें ट्रांसफर करके हमारे को हमारे राज्यसभा वाले कैंडिडेट को दे देंगे। तो क्या 2019 में मोदी बनाम ऑल की तस्वीर बनेगी? क्या मोदी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होगा? मोदी के अश्वमेघ घोड़े को रोकने के लिए महागठबंधन मिलकर जोर लगाएगा? अगर ऐसा होता है तो भारत की सियासत में अजूबा होगा। कल को जो पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होती थी अब वो कांग्रेस के साथ होंगी, और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगी वो भी पार्टियां होंगी जिन्हें एक म्यान में अब तक रहना गवारा नहीं रहा है। कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। जीतना तो जैसे मोदी की आदत हो गई है, और मोदी के नाम का जादू का असर कुछ इस तरह से यूपी में भी दिखाई दे रहा है कि दो फूटी आंख ना सुहाने वाली पार्टियां अब एक साथ मिलकर खड़ी हो गई हैं। जी हां, मायावती ने कहा है कि 11 मार्च को होने वाले उपचुनाव में वो अखिलेश की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगी।
मोदी के विजय रथ को रोकने की कोशिश अब यूपी से शुरू हो रही है। एक दूसरे के खिलाफ तलवार भांजने वाले अब एक दूसरे के लिए तलवार उठाएंगे। शंखनाद हो गया, बस जंग का इंतजार है। ब्रांड मोदी के कद का खौफ ऐसा छाया कि यूपी के सियासत के दो किनारे भी पास आ गए। यूपी विधानसभा में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की तलखी कम पड़ गई थी। अखिलेश ने भी कभी दबी जुबा तो कभी खुलकर बुआ मायावती के लिए प्यार जताया, लेकिन फूलपुर और गोरखपुर उपचुनाव में बुआ भतीजा खुलकर सामने आ गए। जहाँ तक उत्तर प्रदेश में इस समय गोरखपुर वह फूलपुर लोकसभा की सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीएसपी के लोगों को वोट देने का सवाल है, हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस उपचुनाव में भी इन दोनों लोकसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव के मैदान में नहीं उतारे हैं। बीएसपी यूपी उपचुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। गोरखपुर फूलपुर सीट पर बीएसपी प्रत्याशी नहीं होगा। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी करेगी बीएसपी का समर्थन। हमारी पार्टी के लोग मेरे पूर्व में दिए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक ही चलकर अब इन दोनों सीटों पर खासकर बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने के लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियों में से जो मजबूत उम्मीदवार हैं तो उन्हें ही अपना वोट देने वाले हैं। बीएसपी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने में उपचुनाव के अच्छे नतीजे न आने पर होने वाले खतरों को भी ध्यान में रखा है और यही वजह है कि मायावती या किसी भी बड़े नेता की जगह दोनों जगह जोनल कोऑर्डिनेटर्स से इसका ऐलान करवाया। नतीजे अच्छे न आने पर ये कहने का स्कोप भी होगा कि ये कोई गठबंधन नहीं बल्कि बीजेपी को रोकने के लिए वोटों को ट्रांसफर करवाया गया। मुकाबला बेशक उपचुनाव का है, लेकिन बीएसपी और समाजवादी पार्टी का यूं करीब आना यूपी की राजनीति के लिए बड़ी बात है, क्योंकि इन दोनों की दुश्मनी कोई ऐसी वैसी दुश्मनी नहीं। गेस्ट हाउस कांड में जो कुछ हुआ और उसके बाद दोनों का यूं करीब आना सातवें अजूबे से कम नहीं, लेकिन सियासत में अजूबे होते रहते हैं। मुझे लगता है मैं जो कह रहा हूं यही साबित होगा और अभी गोरखपुर और फूलपुर के चुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। सब कुछ अचानक नहीं हुआ। महागठबंधन की कोशिशें यूपी उपचुनाव से पहले भी हो रही थी, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो साथ आ गई लेकिन मायावती गच्चा दे गई, लेकिन यूपी की हार ने दोनों के बीच संवाद की तार फिर से जोड़ दी। जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, उनको मैंने एक रिश्ते से हमेशा सम्मान दिया है। हाँ, अगर सरकार के लिए जरूरत पड़ेगी तो देखिए, कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने इस दाव के जरिए कांग्रेस पर भी दबाव बनाया है। एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले की बात कहकर मायावती ने ये साफ कर दिया है। कांग्रेस की मजबूरी है कि लोकसभा में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए वो दोनों से ज्यादा दूर नहीं जा सकती। राज्यसभा में उसके सात विधायकों के समर्थन के लिए दबाव बनाते हुए मायावती ने कहा है कि जब हमें यहां समर्थन मिलेगा तभी एमपी में बीएसपी राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ देगी। इसके जरिए कांग्रेस को ये संदेश भी दिया गया है कि लोकसभा चुनाव में वो अपनी शर्तों पर समर्थन नहीं ले सकती। उपचुनाव का गठबंधन 2019 का ट्रायल भी है। हालांकि मायावती ने कहा कि ये 2019 का गठबंधन नहीं है, लेकिन उन्होंने भविष्य में गठबंधन से इनकार नहीं किया और जाहिर है कि अगर नतीजे मनमाफिक रहे तो भला 2019 में कौन पीछे हटेगा। कारवा बढ़ता रहेगा, जुड़ता रहेगा। इंतजार कीजिए और सियासी सरप्राइज का मजा लीजिए। इलाहाबाद से पंकज श्रीवास्तव, गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में नहीं दक्षिण में भी गोलबंदी शुरू हो चुकी है। वीपी सिंह के गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी पार्टी के फॉर्मूले को हवा दी है तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने और उनकी देखा देखी बाकी पार्टियों ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के बढ़ते प्रभाव ने हर सियासी दल को डरा दिया। यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी दुश्मनी भूल एक साथ आ रही है तो दक्षिण से भी मोर्चा बनाने की आवाजें उठ रही हैं।
इस बार गैर बीजेपी गैर कांग्रेस मोर्चे का राग टीडीपी के चंद्रशेखर राव ने आला पाया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपने मोर्चे को मेन फ्रंट करार देते हुए देश को बीजेपी और कांग्रेस दोनों से मुक्त करने की हुंकार भरी। By changing the mood of the people of India, what kind of a tool is required? That will emerge. Right. 100% मैं कह रहा हूँ खुल के, ये माइनस कांग्रेस माइनस बीजेपी ही होगा, इसमें कोई शक की जरूरत नहीं। लगे हाथ चंद्रशेखर राव ने यह भी कह डाला कि वो सियासी बदलाव वाले आंदोलन की अगुवाई के लिए तैयार हैं। चंद्रशेखर राव की पहल को फौरी समर्थन भी मिल गया। सबसे पहले सामने आए असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि मुल्क में लोग बीजेपी के गवर्नेंस से परेशान हैं, कांग्रेस कोई वायबल अल्टरनेटिव बन नहीं पा रहा है और ना बन सकता। ना मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ कि रीजनल पार्टीज जब कभी भी आइंदा पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे इनका एक बहुत बड़ा रोल होगा। दूसरे गैर बीजेपी दल भी आनन फानन में राव के समर्थन में आ गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आरजेडी ने भी उन्हें समर्थन देने का ऐलान कर दिया। कोई भी अगर इस तरह का प्रयास होता है तो कोई भी समझदार आदमी उस प्रयास का स्वागत करता है। हम भी उनके इस बयान का समर्थन करते हैं तो और सामने हम इंतजार करेंगे कि उनका एजेंडा क्या है। त्रिपुरा के रिजल्ट के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि ये बीजेपी की जीत नहीं बल्कि वामपंथी सरकार के आत्मसमर्पण और कांग्रेस के गठबंधन के लिए तैयार नहीं होने का नतीजा है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गठबंधन के लिए तैयार हो गए होते तो त्रिपुरा में रिजल्ट कुछ और होता। आज तक ब्यूरो। तो संसद का बजट सत्र पार्ट टू आज से शुरू हो रहा है। जीत पर जोरदार स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये देखिए किस तरह से तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के सदन के बाहर मौजूद हैं, वहां पर विक्ट्री साइन दिखाया जा रहा है सभी की ओर से, क्योंकि मोदी लहर जिस तरह से पूर्वोत्तर के राज्यों में चली, वहां पर लेफ्ट का दबदबा था, अचानक वहां पर इस बार चुनाव में बाजी पलटी और वहां पर कमल दिखाई देने लगा। और इसी की वजह से आज जब संसद का सत्र शुरू हुआ है तब मोदी के उद्घोष के साथ वहां पर तमाम बीजेपी नेता मौजूद हैं और विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरों का डबल डोज मेरे और मीनाक्षी के साथ एक और एक 11 में। लेकिन जाने से पहले आपको याद ला दें सबसे तेज सबसे सटीक खबरों के लिए जुड़े रहे हमारी वेबसाइट www.aajtak.in के साथ या फिर डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।